हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज का व्लॉग दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है, और कल मेरे साथ क्या हुआ जब मैं जिम में गई, मैं वही व्लॉग है और मैं उसको ही आज ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जो तबाही हुई आसपास और हमारे हल्द्वानी में कलसिया नाला भयंकर उफान पर था, उससे बहुत सारे मकान टूट कर बह गए, वहाँ के 4-5 मकान टूट गए, और प्रशासन ने उस समय तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन लोगों ने रात पूरी रात खुले में बिताई है, मैं जैसा कि मुझे पता है, और हम लोग जिम में फंस गए थे मेरी फ्रेंड्स और मैं। तो जब पहले हमने सोचा कि बारिश बंद होगी, बंद होने की बजाय बारिश भी बढ़ती गई और पूरी सड़क पर पानी पानी हो गया, और जो नाला सामने से रौला निकलता है उसे कहते हैं रकसिया नाला, और उस रकसिया नाले का हाल मैं दिखाऊंगी और अपने घर के आसपास का हाल दिखाऊंगी। तो देखिएगा कि क्या मंजर रहा, मौसम रहा कल। तो फ्रेंड्स, आप ब्लॉग देखिए आगे, तो आप आज का व्लॉग देखिए और बताइए कि आपके यहाँ बारिश से क्या हो रहा है, क्या हाल है आपके यहाँ बारिश का, और हमारे यहाँ जैसा हाल है या कुछ और। और बारिश की वजह से कल गाड़ियाँ अंदर रख दी गई, मैं वो गाड़ियाँ दिखाती हूँ जो बाहर खड़ी होती थी, दो तीन गाड़ियाँ, एक तो बाहर ही खड़ी है और दो गाड़ियाँ हमारे साइड को रखी है, दिखाती हूँ आपको। तो अब आप व्लॉग देखिए आगे का। तो फ्रेंड्स देखिए, भयानक बारिश के बाद रौले का हाल हमारे जिम के सामने, ये हाल है, भयानक बारिश का माहौल बना हुआ है। ये देखो मंजू मैम है, ये दिख नहीं रही है सही से लेकिन वीडियो में अभी। ये देखो लोग, हमारे जिम के लोग छाता लेके चले गए हैं, शायद हम ही रह गए हैं, मैं ही फंस गई आज। तब भयंकर पानी आया है ना, कोई अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना पैर तो डिशियाँ बह जाएगा सीधे। टिंग 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 टिंग, हमारी हल्द्वानी का हाल है, रौले का हाल है हमारे हल्द्वानी का, रौला पानी गंगा जी गंदी नहीं होती है, गंदा पानी आया है फ्रेंड्स। और वहाँ तो ऐसे आ रहा है ना, वह ना इस तरफ से देखो, ये ऐसे बिल्कुल अलग तरीके से, मेरा फोन मत गीला हो भाई, पुल को टच करता है थोड़ा सा, वहाँ देखो पुल को तो टच कर, वो पुल को टच कर रहा है वहाँ पे, उधर उधर तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, बहुत डरावना पानी है। अरे वो देखो वहाँ देखो, ये आ रहा है यार, ये कहाँ से आ रहा है इतना पानी, ये देखो कहाँ फंस गया, वहाँ जाके वीडियो बनाती हूँ, इधर देखो सड़क पे भी आ गया है मेरा मोबाइल, ये देखिए सड़क पे भी आ गया पानी, ये तो डेंजर है, वो देखो बहुत डेंजर होता जा रहा है मामला, ऊपर से पानी आया है, भगवान के सामने तो आया होगा पानी, क्या क्या तो वो तो मैंने कहा पूरा खटो तो यहाँ से वहाँ जाती हूँ, ये तो बहुत डेंजर हो गया, हम लोग जिम में फंसे हुए हैं सर। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से तो और खतरनाक हो गई है स्थिति, पूरा सड़क पे भर गया है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा लग रहा है। और ये यहाँ कहाँ से आ रहा है इस तरह से पानी, वहाँ ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये यहाँ से पानी आ रहा है ना भयंकर तरीके से आ रहा है, और अब रोड पूरी भर जाएगी थोड़ी देर में, हम तो गए फिर यहीं पर फंस गए हैं सब लोग, ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट टाइम हुआ है आज ऐसा। फ्रेंड्स, तो हम जिम में आए हुए थे, मैं और मेरी सारी जिम्मा फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, और तो हम बारिश शुरू हो गई तो हम लौट नहीं पाए हैं, अभी बारिश के चक्कर में यहाँ फंसे हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से जिम के आसपास का हाल, जो बारिश के दिन में कभी कभी होता है, हमें देखने को मिलता है कभी कभी ऐसा हाल, और ये देखिए यहाँ का हाल, ये सभी लोग इसलिए रुक गए हैं, मंजू मैम भी वीडियो बना रही है, ये है ये सब लोग हैं, देखिए बारिश देख रहे हैं, बारिश के साथ साथ पानी का नज़ारा ले रहे हैं, सभी लोग पानी का नज़ारा ले रहे हैं, इस समय की कैसा है पानी, गंदा गंदा पानी और सड़क भरती जा रही है, सड़क भरती जा रही है, हम कैसे जाएंगे पता नहीं, और ये नीचे भी देख रहे हैं आप, जैसा कि ये नीचे की जिम है तो नीचे बॉयज भी देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ का हाल देख रहे हैं, देखिए सब जिम के लोग, बारिश से पहले सड़क का ये हाल था, और रौला एकदम सूखा हुआ रहता है, नॉर्मल टाइम में जब बारिश नहीं हो रही होती है तो इतना गहरा नाला है ये जो कि उफान पर आ गया है, आज सड़क तक पानी भर आया है, अभी और बढ़ने की आशंका है पानी, और कुछ समय पहले इस रौले में एक गाय का बछिया फंस गई थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके निकाला गया, ऐसे ही जाने कितने जानवर इस नाले में बह जाते हैं पानी आने में, अचानक से जब पानी आता है तो ऐसे जानवर बहुत सारे इसमें बह चुके होंगे, तो इसलिए हमें जानवरों की सुरक्षा उस दिन तो तुरंत निकाल लिया गया है, इस छोटी बच्चिया को बहुत कोशिश करने के बाद रेस्क्यू किया, और इस बच्चिया को स्थानीय लोगों ने निकाला वहाँ से और उसकी जान बचाई,
वरना ऐसे ही बह जाती जब पानी आता तो। तो आज का हाल अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आज रोले का क्या हाल है और ये पहले का हाल था रोले का। तो सारी रोड पर पानी आ चुका है, जिस रोड पे हम लोग जाते हैं ये देखिए आप लोग, अब जाने का नहीं हो रहा क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। तो आपके यहाँ क्या हाल है बारिश का, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऐसे भयानक बारिश हो रही है, ऐसा भयानक पानी इकट्ठा हो रहा है आप लोगों के यहाँ हो रहा है ये मुझे जरूर बताएं। और इतना भयंकर तरीके से फंस चुके हैं हम बारिश में, सभी लोग फंस चुके हैं, मैं ही क्या। ये देखिए खतरा मोल नहीं लेना चाहिए ऐसे में किसी को भी, तब भी वेट करना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा बंद हो जाए और थोड़ा कम हो जाए तो मैं चली जाऊँ, मैं छाता भी नहीं लाई। अरे जीन्स है, ऑटो ऑटो अरे ऑटो है, चलो ऊपर से देखते हैं, सही कहा ऊपर से देखते हैं, इससे अच्छा अभी कोई रास्ता नहीं है तो ऊपर से ही देखते हैं सिर्फ। ये देखिए सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ जो रोला आया है उसकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ वीडियो बन रही है, ये भयंकर हो रहा है क्योंकि यहाँ माहौल ही ऐसा हो गया है। पहले ही सड़क खाली थी जब मैंने आपको दिखाई थी, अभी रोड भर चुकी है, जब मैं आपको दिखा रही हूँ तो अब रोड पूरी भर चुकी है, ये देखिए अब हम जा नहीं पाएंगे आज अभी। फ्रेंड्स इस नाले को रकसिया नाला कहा जाता है, जिसकी वजह से यह तबाही मची हुई है आज हल्द्वानी में, और वॉकवे मॉल के पास पुलिया टूट चुकी है जिस वजह से पानी और ज़्यादा फ्लो के साथ यहाँ आ गया। ये देखो ऐसे में इन बच्चों को मस्ती आ रही है, ये देखो बच्चे मज़े से, अरे तेज़ हो गई, फिर से तेज़ हो गई बारिश, जाम भी लग गया है, मैं ऊपर ही जाती हूँ ऊपर से, कैसे जाए बताओ, जैसे ही हम निकले और फिर से बहुत तेज़ हो गई, और तेज़ हो गई अब। यहाँ आसपास के इलाकों में घरों के अंदर भी बहुत सारा पानी भर जाता है इस मौसम में जब रौला आता है। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पानी जाता है अंदर, किस जंग से गाड़ी टाइप की है, पता नहीं क्या बना रखा है, बाइक में गाड़ी बना रखी है जाने डिफरेंट सी, और दो दो गाड़ियाँ बाइक में बना रखी हैं ऐसी अलग सी, और देखने में मैं कब तक फंसी रहूँगी यहाँ। और ये नाला भयंकर आ गया है, बराबर आ गया है जो मैंने गहरा गहरा दिखाया। तो फ्रेंड्स यहाँ आसपास के लोगों के घरों में पानी भर गया है और उनके सामान का बहुत नुकसान हो जाता है हर साल जब भी पानी भरता है, क्योंकि वो इतना सामान उठा के नहीं ले जा पाते और उनके बेड वगैरह जो भी सामान नीचे होता है सब मैक्सिमम सामान ख़राब हो जाता है हर साल जब भी रौला आता है, और इस बार तो भारी रौला आया हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब मैं घर आ गई हूँ जुम्बा क्लास से, बड़ी मुश्किलों से आई हूँ, अभी भी बारिश बहुत भयानक हो रही है, मैं पूरा भीगते हुए आई और उसके बाद सीधे नहाने गई क्योंकि बहुत ही गंदे हो गई थी मैं, फिर मैं नाले में भी गिर गई थी थोड़ा सा, तो इस चक्कर में पूरे में मतलब अजीब ही हो गया था, और उसके बाद इतनी भयानक बारिश में भीगते हुए आई हूँ। वैसे तो पूरे में पानी पानी हो रहा था, आज आपको भी देखा ही आपने मेरी वीडियो में, तो इन्होंने सब्ज़ी काट के रखी है और ग्रीन टी बना के रखी है, आशी के लिए दूध बना के उसे दे दिया था, तो ऐसे ऐसे काम कर रही थी, लेकिन इनको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब जिस समय मैं गई थी क्योंकि उस समय तो कोई बारिश नहीं हो रही थी, मैं इसलिए गई थी, वरना मैं शायद थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है मैं खुद ही घर से नहीं निकलती हूँ, जुम्बा वगैरह से मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। तो अभी मैं लौकी बना देती हूँ, और तो लौकी बनेगी आज क्योंकि इन्होंने अब लौकी काट दी है, वरना मैं लौकी में तो काट भी लेती आके, लेकिन इन्होंने काट दी, अच्छा किया है कि थोड़ा काम आधा आधा काम कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के अब क्या हाल चाल है, बारिश की तबाही का मंजर क्या है, आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट करके मेरे ब्लॉग में बताएं, और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें। और अब मैं खाना बना लेती हूँ, मैं नहीं आई थी तो क्या रिएक्शन थी पापा की, बोल लेते ऐसे क्या बोल, नहीं ट्रू रिएक्शन दे, ट्रू वाली रिएक्शन दे, वो बोल लेते कि रुम्बा छोड़ देंगे, रुम्बा छोड़ देना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, बारिश हो रही है, ये गुस्सा करते थे कितना, कितनी देर चिल्लाया, आधे घंटे तक चिल्लाते ही रहे जब तक नहीं है। उसके बाद तो बोल ही नहीं पाए। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा बोले बस। हाँ। तो भयंकर तबाही का मंजर हो चुका है, हमारे घर के आसपास भी बहुत पानी भर चुका है, ये पूरी रोड भर चुकी है, पूरी भर गई है, पूरी रोड भर चुकी है हमारे आगे की भी, बाप रे पूरी रोड यहाँ तक तो भरी चुकी है, यहाँ हमारी रोड ही थोड़ी सी बची हुई थी, और रोले का पानी यहाँ तक आ चुका है, ये अंधेरा है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये देखिए सारा पूरी घर पूरे सब घर भर चुके हैं यहाँ पानी से, हाँ ऐसे आ रहा है पूरा, देख देखो ये है, ये पानी पानी हो रहा है पूरी रोड पर पानी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है इसमें, उजाला ही नहीं हो पा रहा है। ये छोटी कैसा लग रहा है, ये हमारी रोड के आगे का हाल है,
नदी है, ये दिख नहीं पा रहा क्योंकि उजाला कम है ना, उजाला कम है इसलिए कुछ नहीं दिख पा रहा। ये सब खड़े हुए हैं और ये पानी में हम चल रहे हैं। होली है, इसको भिगा दो होली में। ये इतने सालों बाद आया है ये रोना यहाँ। ये अरे दिख नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो, ये क्या कर रहे, नहीं दिख रहे हो भैया की लाइट में ही दिख पा रहे थे, जितना दिख पा रहे थे आप। मैंने तो आके नहाया अभी, ये छाता लेके देखो आगे आगे रोड में दिखाती हूँ मैं आपको, लाइट के साथ साथ अगर लाइट लाइट चलेगी तो मैं भी चल पाऊंगी। ये जा रहा है भयानक तरीके से यहाँ से, तभी तो नहीं आ रहा इधर को, नहीं तो इधर को आ गया होता। जो नालियाँ बनी है ना उससे फायदा हो रहा है, ये पूरी रोड भरी हुई है, ये लाइट कम हो गई इसलिए नहीं आ गया होता, ये नहीं होती तो। ये जो जा रहा है यहाँ से सफाई हुई है, ये आशी को देखो, ये आशी लगी हुई है। ये देखो दीदी ये सही कर रही है ताकि और ज्यादा पानी जाए। नहीं हमें बारिश किसी को नहीं चाहिए क्योंकि पूरा हम पानी बहुत परेशान हो चुका है आज की एक तबाही वाली बारिश। इस नाले का नाम है रकसिया नाला, जो यहाँ हमारे आस पास के इलाके में तबाही मचाए हुए है और सारे लोग मोहल्ले के घर के बाहर निकले हुए हैं नाला वाला देखने के लिए। और पूरी सड़कें भर चुकी है हमारी, सड़क में ऊपर तक पानी आ चुका है और हमने वो एक बना रखा है ताश जिसे लगा रखा है जिससे हमारे घर के अंदर पानी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ का माहौल बहुत ही इस समय पता नहीं सभी लोग, अभी हमने खाना भी दिखा रखा है, ये भी बाहर चले गए हैं देखने के लिए, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि रीज़न ये है कि लाइट नहीं है तो अंधेरे में वीडियो कैप्चर नहीं हो पा रही है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय।